नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर जो हम असेंडिंग चैनल में चल रहे थे और आज असेंडिंग चैनल के हमने फाइनली ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया है। देखिए सबसे यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, देखिए यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल बनती जो कि मतलब यहाँ पर विक रह जाती और बॉडी अंदर की तरफ रह जाती, तो वहाँ पर हम अगेन नेगेटिव हो सकते थे और दोबारा हम जो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे हैं तो यहाँ पर हम उसको टेस्ट करने के लिए हम आ सकते थे। बट यहाँ पर जो है आज सबसे पॉजिटिव बात और सबसे अच्छी बात ये रही है कि आज हमने यहाँ पर क्लोजिंग जो है इस चैनल के बाहर दी है। मींस जो यहाँ पर देखिए जो क्लोजिंग आई है वो 32,300 के आसपास आई है और जो बैंक निफ्टी ने जो आज हाई लगाया वो 34,643 का लगाया और जो लो लगाया वो 33,590 का लगाया। और देखिए फाइनली क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पर 34,300 की है। तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बात यही रही है कि क्लोजिंग जो है निफ्टी बैंक की इस चैनल के बाहर हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं आज हमारे यहाँ पर किस तरह से हमने जो है ट्रेड हमको हम यहाँ पर कर सकते थे। फाइनली देखिए मैं आज थोड़ा सा बिजी था, मैं अपने इंट्राडे प्रोजेक्ट में आज कुछ मीटिंग्स वगैरह थी और कुछ हम वहाँ पर बिजी थे जो मतलब फाइनली अब लॉन्च करने की तैयारी है अब रिटेलर्स के लिए। तो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ये मतलब मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो चार्ट पर ही आपको सिग्नल मिल जाया करेंगे कि आपको यहाँ पर बाय करना है कि सेल करना है। वो सारे उसमें मेरे सारी एनालिसिस उसमें जो है पहले से ही उसमें फीड की हुई है, डाटा सारा फीड किया रहेगा। चलिए वो जब मैं लॉन्च करूंगा तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट हम जो है इसको बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसी की रिगार्डिंग में आज बिजी था तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग में कोई खास ध्यान नहीं दे पाया। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर जो फाइनली देखिए जो कल की हमको मूव देखने को मिली। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ दिखाऊंगा कि हम जो यहाँ पर कल जो ट्रेडिंग हुई है वो ट्रेडिंग देखिए यहाँ से अगर हम लेकर चलें और यहाँ पर तो ये देखिए हमको यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमको देखने को मिल रहा था और फाइनली देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न का हमको टारगेट यहाँ पर कल हमको मिल चुका था। और फाइनली यहाँ से देखिए अब जो है 1500 पॉइंट्स। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ में यहाँ पर दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसका जो हम टारगेट हम देखने जा रहे हैं, इसका जो टारगेट था देखिए नीचे से लेकर के अगर हम इसका यहाँ पर टारगेट देखें तो नियर अबाउट 3000 पॉइंट्स के यहाँ पर मूव है। अब ऊपर की तरफ देखिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, तो अगेन देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं 50% के लिए, तो यहाँ से देखिए हमको 1500 पॉइंट्स और चाहिए थे। मींस मतलब अगले टारगेट के लिए, ये जो हमारा अगला टारगेट होता है तो यहाँ से 1500 पॉइंट्स, बट देखिए हमको यहाँ पर 1800 पॉइंट्स के आसपास मिल गया है। मींस हमारा दूसरा टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब देखिए कल के सेशन के लिए क्या करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो आज हम कह सकते हैं जो ट्रेडिंग हुई है वो एक रेंज में हुई है। मींस आज यहाँ पर ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं था, जैसे कल हमको सेकंड सेशन में दिखा था कि बजट डे में जो हमारा सेकंड सेशन जो था वो ऑप्शन प्रॉपरली टोटली ऑप्शन बायर का डे था, बट यहाँ पर जो आज का दिन था ये प्रॉपरली ऑप्शन सेलर्स का दिन था। मींस यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग आज जिन्होंने की होगी उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे और जिन्होंने ऑप्शन बाइंग की होगी वो फंस गए होंगे या ट्रैप हो गए होंगे या फिर अच्छा अगर छोटा प्रॉफिट लिए होंगे, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमको मार्केट ने आज एक रेंज दे दी है। अब मैं पहले फिलहाल मैं नीचे का पैटर्न ये डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद हमको अगेन एक 15 मिनट की जो कैंडल मिली वो कैंडल देखिए हमको बेरिश टाइप की एक कैंडल मिली। मीन्स देखिए हम इसको शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में। और फाइनली यहाँ से देखिए यहाँ से इसका टारगेट जहाँ इसका लो था, जहाँ से बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई थी और वहाँ से कंटिन्यू ऊपर स्टार्ट होना चालू हो गया था, तो ये जो लो था इसका तो देखिए 33,590 के आसपास, तो इस लेवल को टेस्ट करते और इसको ब्रेक करते तब हम नीचे की तरफ जा सके सकते थे। बट देखिए जो आज का लो था, जो हम डे लो था वो ब्रेक नहीं हुआ और उसके पहले से हम यहाँ पर रिवर्स हो गए। अब देखिए हमको कल के सेशन में क्या करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक बिल्कुल प्रॉपर एक रेंज में आ चुके हैं। ऊपर की जो रेंज है वो रेंज है देखिए 34,660 की, 650 की मान लेते हैं, और नीचे की रेंज जो है वो 33,600 की है। मीन्स 33,600 और ऊपर जो है 34,600, मीन्स ये हमारे पास 1000 पॉइंट्स की ये रेंज है। अब देखिए हम जिस तरफ भी ब्रेक करेंगे, देखिए 1800-1900 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी ये पैटर्न ब्रेकआउट के बाद आ चुके हैं, जो पैटर्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो ये देखिए राउंडिंग बॉटम के देखिए यहाँ पर टोटल 3000 पॉइंट थे, तो यहाँ पर 1900 पॉइंट्स के आसपास आ चुके हैं। अब 1000 से 1100 पॉइंट्स अगर और ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा तीसरा टारगेट भी ऊपर की तरफ का अचीव होगा। तो कल के सेशन में देखिए क्या करना है, अब हमारे पास रेंज है, रेंज के ब्रेकआउट पर हमको ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं करना है। अब देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देखिए मैं यहाँ से ड्रॉ करने जा रहा हूँ, हमारे पास एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ गई। तो प्रॉपरली मैं इसको टच करके
यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, अब हम देखिए इसकी प्रॉपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो ऊपर की रेंज है वो ऊपर की रेंज देखिए ध्यान से सुनिए, ऊपर की रेंज हमारे पास 34,650 की है और नीचे की रेंज जो है वो है 33,600 की। मीन्स हम 1,050 की रेंज में आज हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की है। कल के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से हम अगेन एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो पहला टारगेट तो हमारा जो आज का डे लो लगा हुआ वो हमारा टारगेट होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पर 34,100 के नीचे हम क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा अगला टारगेट यहाँ पर 33,600 का होगा। देखिए अगर प्रॉपर आप बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग के लिए जाना चाहते हैं तो हाई और लो ब्रेक होने के बाद जाइए। जो हाई लगा हुआ है वो 34,650 का है, 34,650 का लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर बाइंग के लिए जाइए। अभी ऊपर बाइंग के लिए मेरे को देखिए यहाँ पर 35,000 का टारगेट दिखाई दे रहा है। मेरा टारगेट जो है देखिए 35,500 के आसपास का टारगेट है, बट फिलहाल पहला टारगेट 35,000 का है। अगर हम कल 34,600 का लेवल 650 का लेवल ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर 35,000 के टारगेट के लिए जाएंगे। बट अगर आप हम डेढ़ लो ब्रेक करते हैं तो नीचे का टारगेट देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 33,600 है और यहाँ पर देखिए ये मैंने जो सब रजिस्टेंस था ये देखिए यहाँ से ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस था। देखिए अगेन यहां पर रेजिस्टेंस इसने फेस किया। अब ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। मींस देखिए अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, आज का डेलो ब्रेक करते हैं, 33,580 का लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले ये अपना गैप फिल करने के लिए आएगा। जो यहां पर गैप बना हुआ है, जो आज गैप अप ओपनिंग हुई है, ये जो गैप है हम देख सकते हैं यहां पर, ये 33,300 के आसपास का गैप है और यहां पर जो हाई है वो 33,600 के आसपास का। मींस हमको ये 250 से 300 पॉइंट हमारा पहला टारगेट होगा अगर हम आज का डेलो कल ब्रेक करते हैं। ये डे लो ब्रेक करने के बाद 33,600 के नीचे क्लोजिंग के बाद हमारा पहला टारगेट होगा 33,300 का और दूसरा टारगेट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनेगा तो वो हमारा होगा देखिए 32,800 के आसपास। तो इन दो टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ जा सकते हैं और अगर डे हाई ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 35,000 और दूसरा टारगेट आप 35,500 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। जो स्टॉक्स हमने कल दिए थे, जो लेवल मैंने कल बताए थे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए थे, जहां जो लेवल मैंने बाइंग के लिए बताए थे, उन सारी चीजों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो पहला स्टॉक देखिए हमारा एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक को देखिए मैंने फाइनली यहां पर आपको बताया था कि 710 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। टारगेट जो मैंने आपको बताया था वो 730 रुपए का बताया था। देखिए यहां पर 710 रुपए के ऊपर हम निकले और यहां पर 745 के आसपास का हमको यहां पर हाई मिला। अब देखिए यहां पर क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। जो यहां पर कैंडल बनी हुई है आज, वो कैंडल देखिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। सो यहां पर थोड़ा सा बाइंग करने से कल बचना है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में बाइंग ना करके अगर ये 700 के नीचे क्लोज करता है तो यहां पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं 690 रुपए के टारगेट के लिए। बाइंग के लिए अभी यहां पर सिनेरियो बनने दीजिए, यहां पर कुछ दो चार दिन यहां पर इसको सस्टेन करने दीजिए। देखिए मार्केट में कल एक बहुत बड़ी मूव हुई है, सो इसको डाइजेस्ट कर लेके थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। कभी भी आप देखिएगा अगर बहुत बड़ी मूव किसी दिन हो जाती है तो वो आगे एक दिन दो दिन तीन दिन देखिए मार्केट साइडवेज हो जाती है। क्यों साइडवेज होती है, उस मूव को वो चाहे डाउनफॉल हो चाहे वो अप ट्रेंड में हो, उसको डाइजेस्ट करना होता है। मार्केट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। सो इसलिए आज मार्केट में हमने जो है साइडवेज एक मूव देखी है। नेक्स्ट स्टॉक चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा बंधन बैंक है। बंधन बैंक देखिए कंटिन्यू आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो चैनल हमारा चल रहा है चैनल से यहाँ पर बाउंस बैक के लिए बताया था मैंने आपको, बाउंस बैक होगा। और यहाँ पर जो मैंने कल आपको बताया था 325 रुपए के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए, 325 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा 340 के आसपास मैंने बताया था और यहाँ पर देखिए जो आज हाई लगा है वो 345 के आसपास लगा है, तो यहाँ पर हमारा आज का टारगेट अचीव हो गया है। अब देखिए अगेन कल के लिए क्या करना है मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो हमको अब यहाँ पर एक हर्डल मिलने जा रहा है। मीन्स ये जो हर्डल है हमारा, ये देखिए हम नज़दीक से यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारा हर्डल होगा 352 के आसपास। तो अगर यहाँ पर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 340 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं। 350 के आसपास देखिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पर मत बैठिए। 350 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमारा टारगेट यहाँ पर अगला 365 रुपए का होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को देखिए यहाँ पर क्लियर कट मैंने बाइंग के लिए 1480 के ऊपर बताया था कि 1480-1485 का लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पर टारगेट देखिए जो मैंने आपको बताया था वो 1515 का बताया था। मीन्स यहाँ पर हमने जो टारगेट लिया था वो 35 पॉइंट्स का लिया था, बट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पर जो हाई लगा वो 1580 के आसपास का हाई लगा। यहाँ पर एग्जैक्ट हाई जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं 1578.50 का। मीन्स देखिए हमारा टारगेट 1535 रुपये का था, बट HDFC बैंक में एक जबरदस्त यहाँ पर मूव हुई और यहाँ पर कंटिन्यू ये मूव मेरे को लगता है भी रहने वाली है। दो तीन दिन यहाँ पर कंटिन्यू ये मूव रह सकती है क्योंकि देखिए दो दिन हम ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव कर चुके हैं।
कल में भी यहां पर एक अच्छी मूव और हो सकती है, 3 से 4% की मूव, तो कल यहां पर HDFC बैंक में नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक को देखिए, बाइंग के लिए ये जो असेंडिंग चैनल बन रहा था, असेंडिंग चैनल को फाइनली ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया है। अब यहां पर देखिए जो डोजी कैंडल देखिए कब बनते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, देखिए अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो डोजी कैंडल देखिए या तो किसी अप ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनता है, या तो किसी डाउन ट्रेंड के बाद डोजी कैंडल बनता है, या फिर जो डोजी कैंडल कई बार कंटिन्यूशन पैटर्न भी होता है, कई बार कैंडलें चल रही होती हैं ऊपर की दिशा में और वहां पर डोजी कैंडल बनने के बाद अगेन बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं, तो ये जो कैंडल है ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न के रूप में हम यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर बाइंग जो करनी है वो 625 रुपए के ऊपर निकलता है ICICI बैंक, तो यहां पर बाइंग कर सकते हैं। यहां पर देखिए ऑलरेडी मैंने यहां पर पोजीशन बनाई हुई है, सो यहां पर ICICI बैंक में मेरा टारगेट काफी अच्छा है, मे बी अभी मेरा पहला टारगेट 700 का है, तो देखते हैं 700 का टारगेट कब तक अचीव होता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक पे जरा ध्यान देने की जरूरत है, इंडसइंड बैंक में थोड़े से बाइंग करने के लिए बचना है। कब तक बाइंग करने के लिए बचना है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऊपर की ट्रेंड लाइन है जो इसके लिए हर्डल का काम कर रही है। देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ से एक बार रिवर्स हो चुका है, अगेन यहाँ पर देखिए आया है, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पर अगेन रिवर्स हो चुका है। अब तीसरी बार हम अगेन इस हर्डल के पास हैं और अगेन हम यहाँ पर एक डोजी कैंडल देख रहे हैं, सो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए अगर आपको मे बी अगर ये 950 के नीचे क्लोज करता हो मिले, या 948 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं रेदर देन बाइंग। अब देखिए बाइंग किस सिनेरियो में करना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। जब तक ये ऊपर की ट्रेंड लाइन, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता ऊपर की तरफ, जब तक ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ ना दे दे तब तक हम यहाँ पर अभी बाइंग करने के लिए नहीं जाएंगे। मतलब देखिए ध्यान से मैं लेवल भी आपको बता देता हूँ, 1000 का जो लेवल है 1000 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। दूसरा देखिए ये जो 00 डबल फिगर के नंबर जो होते हैं, मीन्स 800 900 500 1000, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस लेवल के आसपास बहुत लोगों की बाइंग रखी होती है, कई लोगों के सेलिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, कई लोग यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कई लोग यहां पर नवी एंट्री बनाते हैं। सो जब ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक अभी हमको बाइंग नहीं करना है, हमको एक दिन की पूरी एक दिन की कैंडल चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन 5 मिनट की कैंडल चाहिए, 15 मिनट की कैंडल चाहिए, हमको पूरी एक दिन की कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर क्लोज कर दे, क्योंकि ये 1000 का लेवल है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। 1000 के ऊपर जब यहां पर क्लोजिंग करेगा तो नेक्स्ट डे हम जब मान लीजिए यहां पर कोई कैंडल क्लोज होती है ऊपर की तरफ और 1010 का हाई लगाता है, तो हम 1011 1012 के बाद हम वहां पर बाइंग करने के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी इसमें बाइंग के लिए बिल्कुल मत देखिए इंडसइंड बैंक में, जब तक ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती। जब यहां पर देखिए 950 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे तो यहां पर मे बी आप जो है 920 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कोटक बैंक है। तो कोटक बैंक ने देखिए फाइनली यहाँ पर जो हमने रेड कलर की ट्रेंड लाइन देखी जो ड्रॉ करके रखी हुई है, इसका फाइनली देखिए ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो पिछला हर्डल जो बना हुआ है हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास कहीं आकर इसने क्लोज किया है। अब मे बी एक बार इसको 1880 के ऊपर निकलने दीजिए या फिर यहाँ पर 1900 का लेवल क्रॉस करने दीजिए। देखिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसको 1900 के ऊपर क्लोज करने दीजिए। 1900 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तो हमको यहाँ पर बड़े आराम से 1950 और 2000 का टारगेट देखने को मिलेगा। बट यहां पर अगर आप रिस्की ट्रेड रहे हैं तो 1880 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहां पर 2000 रुपए के टारगेट 2020 के टारगेट के लिए आप सॉरी यहां पर 1900 के ऊपर क्लोज करता है तो 1920 और 1940 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर जो है इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा RBL बैंक। तो RBL बैंक के लिए देखिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर की तरफ हमारे पास 245 का लेवल है ये हमारे लिए एक हर्डल का काम करेगा, ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देते तब तक हम यहां पर बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। तो फाइनली देखिए यहाँ पर 245 का लेवल इसने क्रॉस करने की कोशिश भी करी है और 250 के आसपास तक ये भी गया भी था, बट क्लोजिंग जो है देखिए क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गई है, मींस यहाँ पर बॉडी इसके नीचे रह गई है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल के रूप में यहाँ पर ये फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर बाइंग के लिए हम जाएंगे देखिए 250 रुपये की क्लोजिंग के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर से दिखाऊँ तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ से हमको मिल रही है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक इसको हमें भी बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। मींस देखिए अब हमको क्लोजिंग के लिए चाहिए 255 के ऊपर की क्लोजिंग, 255 के ऊपर निकलेगा तब यहां पर हम बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहां पर देखिए 237 के नीचे यहां पर एक छोटी सी गिरावट आ सकती है, मे बी 230 तक की, मतलब 1 से 2% की गिरावट यहां पर आ सकती है अगर ये 237 रुपए के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए असेंडिंग चैनल का फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। सबसे अच्छी बात यह है जिसने जैसे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। बाकी देखिए जब इंट्राडे में मैंने आप लोगों को चार्ट भी पोस्ट
किए थे, जहां से मैंने आपको बताया था कि दो तीन में दो लेवल मैंने आपको बताए थे, और बताया था कि देखिए अगर ऊपर का लेवल क्रॉस करेगा तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बट अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर क्लियर कट सेलिंग के लिए जाने वाले हैं। और फाइनली देखिए नीचे की तरफ उसने लेवल ब्रेक किया और काफ़ी अच्छा वहाँ पर एक मूव देकर गया। अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होगी, ऑप्शन राइटिंग की होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पैसे बहुत अच्छे कमाए होंगे। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करते रहते हैं। वीकेंड पर आप लोगों के लिए पोजिशन स्टॉक की लिस्ट भी मैं अपनी वॉच लिस्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।